हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना जो नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, ठीक है। इसके डिजाइंस की बात कर रहे थे। कुछ डिजाइंस हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो कुछ डिजाइंस कौन कौन से जो हमने कल पढ़े थे वो कौन से थे? फर्स्ट हमारे बेसिक पोस्टर्स ओनली डिज़ाइन, सेकेंड था बेसिक प्रीटेस्ट पोस्टर्स ओनली डिज़ाइन, थर्ड वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, और फोर्थ था हमारा मल्टीपल इंटरवेंशन डिज़ाइंस, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइंस हमने कर लिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने इन नहीं देखा है, इस पहले की वीडियो को नहीं देखे, एक बार वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लें, और फिर इसको जो इसका आज जो हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं इसका इस पार्ट को फिर कंटिन्यू कर लें। तो आज की वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो कौन सा है? क्रॉस ओवर डिज़ाइन, ठीक है। क्रॉस ओवर डिज़ाइन को हम देखेंगे। क्रॉस ओवर डिज़ाइन क्या होता है? क्रॉस ओवर डिज़ाइन, ठीक है। इसमें सेम वैसे ही जैसे हमने कल किया था कि पहले जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं तो रैंडमाइजेशन होगा, ठीक है। रैंडमाइजेशन मीन्स जो ग्रुप है वो कैसे थ्रू रैंडमली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। दो ग्रुप हम यहाँ पर मानेंगे। तो क्रॉस ओवर डिज़ाइन में जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आगे हमने आर लिख दिया, मीन्स रैंडमाइजेशन से हमने पार्टिसिपेंट को डिवाइड किया है। इसके बाद हमारा ए ओ वन क्या है? प्री टेस्ट, ठीक है। हमने उस ग्रुप का फर्स्ट जो ग्रुप है उसका प्री टेस्ट लिया, और फिर हमने एक इंटरवेंशन दी जिसको हमने एक्स ए बोला, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट लिया ओ टू, ठीक है। इसमें क्रॉस ओवर डिज़ाइन में कुछ चेंज है, यहाँ पे दो तरह के इंटरवेंशन हम देंगे, ठीक है। तो सेकंड जो इंटरवेंशन है उसको हम एक्स बी बोलेंगे, और फिर हमने फिर से पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। इसलिए ओ थ्री लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड जो ग्रुप है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड जो ग्रुप है उसमें वो भी उसके आगे भी आर लिखेंगे क्योंकि रैंडमाइजेशन हमने की हुई है। फिर इसका भी हम प्री टेस्ट लेंगे, बट इसमें जो इंटरवेंशन देंगे वो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप को जो सेकेंड टाइम दिया था इसको हम फर्स्ट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ पर जो एक्स बी है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स बी, तो ये जो बी टाइप की जो इंटरवेंशन है वो इस ग्रुप में हम पहले देंगे। फिर हमने पोस्टर्स ले लिया, फिर जो यहाँ पे फर्स्ट दी थी पहले दी थी, ठीक है, इंटरवेंशन, अब इसको हम दूसरी बार लेंगे, ठीक है। मीन्स इसको बाद में देंगे एक्स ए, और फिर इसका पोस्टर्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो डिज़ाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर डिज़ाइन, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में तो जो ये जो एक्स बी इंटरवेंशन थी, ठीक है, वो जो बाद में दी गई थी, बट इस वाले ग्रुप में जो एक्स बी इंटरवेंशन है वो पहले दी है, फिर पोस्टर्स लिया है, और फिर एक्स ए जो ये इस ग्रुप में पहले दी थी मगर यहाँ पर बाद में दी है और फिर पोस्टर्स लिया है, ठीक है। मीन्स क्रॉस ओवर क्या है, ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इंटरवेंशन दी थी यहाँ पे सेकंड नंबर पे दी है, और यहाँ पे जो सेकंड दी थी वहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, इसी से इसका नाम जुड़ा हुआ है क्रॉस ओवर डिज़ाइन, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें कंपेयर करना है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू स्टिमुलेशन, ठीक है। कंपेरिजन हमारा एग्जाम्पल है, कंपेयर ऑडिटरी स्टिमुलेशन एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन ऑन इन्फेंट डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा एक तरह का ये जो हमारी स्टडी इस तरह की है कि हमें ऑडिटरी, हमारे पास दो जो है स्टिमुलेशन है, एक तो हमारी ऑडिटरी स्टिमुलेशन हमारे पास, और एक टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। और हमने इसका जो अफेक्ट है, कंपेयर द इफेक्ट ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलेशन एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन और इन्फेंट डेवलपमेंट, ठीक है। मीन्स इन्फेंट के डेवलपमेंट के ऊपर ऑडिटरी स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट है और टैक्टाइल स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं हमारे पास, एक ऑडिटरी स्टिमुलेशन और एक दूसरा टैक्टाइल स्टिमुलेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? इन्फेंट डेवलपमेंट। तो दोनों जो स्टिमुलेशन का हमें इफेक्ट देखना है इन्फेंट के डेवलपमेंट में। तो हमने जो इन्फेंट है हमारे पास, तो जो हमारे इन्फेंट है, इन्फेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। तो इन्फेंट्स को हमने दो ग्रुप में रैंडमली डिवाइड कर दिया, ठीक है, रैंडमाइजेशन करेंगे, दो ग्रुप में हमने रैंडमली डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ग्रुप हमने ये माना, दूसरा ग्रुप हमारा ये है, ठीक है। अब इस जो
क्रॉसओवर डिज़ाइन में रेंडमाइजेशन क्या है, तो रेंडमाइजेशन का मतलब क्या था है, रेंडमली असाइन करेंगे, दूसरी जो दो ग्रुप हैं उनमें उसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर करैक्टरिस्टिक होगी, मीन्स जो इन्फेंट्स की जो भी एज है सेम होगा, वेट सेम होगा, सब चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, तभी रेंडमाइजेशन होता है। तो दो ग्रुप हमने डिवाइड कर लिए, तो एक ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमने ऑडिटरी जो स्टिमुलेशन है वो यहाँ पे पहले दी, और फिर ऑडिटरी स्टिमुलेशन लेने के बाद फिर हमने पोस्टर्स ले लिया, ठीक है, देखा कि जो इन्फेंट डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, और फिर उसी ग्रुप का फिर हमने इसी ग्रुप का फिर बाद में क्या किया, उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया और फिर देखा इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने इन्फेंट का लिया, पहले हमने ऑडिटरी स्टिमुलेशन दिया, फिर इफ़ेक्ट देखा कि कितना आया, ठीक है, उसके बाद उसी ग्रुप को उसी इन्फेंट का फिर हमने टैक्टाइल स्टिमुलेशन देखा और फिर से इफ़ेक्ट देखा कि क्या रहा, ठीक है, ये हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की। और सेकेंड ग्रुप में हमने क्या किया, जो सेकेंड ग्रुप था पार्टिसिपेंट का इन्फेंट का, उसमें हमने पहले टैक्टाइल, पहले प्रीटेस्ट तो लेना ही है दोनों में, ठीक है, पहले प्रीटेस्ट लिया, ठीक है, बेसलाइन डाटा मिल गया कि हमने दोनों का इन्फेंट डेवलपमेंट कितना है, उसके बाद हमने पहले तो उसमें हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन पहले देंगे, ठीक है, तो उसमें हमने ऑडिटरी दिया था, इधर हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन पहले देंगे, फिर हमने पोस्टर्स लिया, देखा कि टैक्टाइल का क्या इफेक्ट आया, और फिर हमने क्या किया, O3 लिया, फिर हमने ऑडिटरी स्टिमुलेशन दिया और फिर हमने पोस्टर्स ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं वो हम हमारा कौन सा होता है, क्रॉसओवर डिज़ाइन, ठीक है। जो प्री टेस्ट है वो हम बेसलाइन जो डाटा दोनों में लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला नहीं बट ओवल लिखा हुआ है, तो प्री टेस्ट यहाँ पे भी लिया हमने, प्री टेस्ट यहाँ पे भी लिया, बेसलाइन डाटा हमने दोनों का लिया, फिर इंटरवेंशन दी है, फिर पोस्टर्स लिया है, ठीक है, और फिर दोबारा से इसी ग्रुप को फिर से इंटरवेंशन दी है और फिर से पोस्टर्स लिया है, ठीक है। तो इस तरह का डिज़ाइन हमारा क्या हो गया, क्रॉसओवर डिज़ाइन। बट इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कुछ ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन माना जाता है, ठीक है, बहुत पावरफुल डिज़ाइन माना जाता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, ठीक है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन है वो कंपैरिजन के लिए देखे जाते हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप में हम दो इंटरवेंशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक बार एक ही ग्रुप को हमने पहले टैक्टाइल दिया फिर ऑडिटरी दिया, तो दोनों एक ही ग्रुप के अंदर दोनों का हम दोनों स्टिमुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो डिज़ाइन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमने बेसलाइन डाटा लिया, मीन्स प्री टेस्ट लिया, जो यहाँ पर इंटरवेंशन दी थी, ठीक है, फिर पोस्टर्स लिया, मगर जो इसका जो इफेक्ट है हो सकता है यहाँ पे भी देखने को मिले, O3 में भी देखने को मिले, ठीक है, आप समझ में रहे होंगे। जैसे मुझे मान लीजिए, ठीक है, मुझे पहले क्या दिया उन्होंने, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया, ठीक है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन पहले मेरा प्री टेस्ट लिया, ठीक है, बेसलाइन डाटा ले लिया, फिर मुझे टैक्टाइल स्टिमुलेशन दी, ठीक है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया, फिर मेरा पोस्टर्स लिया, देखा कि मेरे ऊपर कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ देर के बाद फिर मुझे ऑडिटरी दे दिया, और फिर ऑडिटरी का फिर मुझे उसका जो है पोस्टर्स लिया, बट हो सकता है जो ऑडिटरी का जो उन्होंने इफेक्टिवनेस चेक किया, ठीक है, ऑडिटरी में क्या पता जो टैक्टाइल का अभी कुछ जो अफेक्ट है बचा हुआ, तो यहाँ पे जो अफेक्ट आ रहा है हो सकता है इस इंटरवेंशन का जोड़ आके यहाँ पे अफेक्ट आया हो, ठीक है, तो ये हो सकता है दोनों। जैसे ड्रग का एग्जांपल हो, ठीक है, पहले जो है इन्फेंट्स को क्या मिली, पैरास्टामोल दिया, ठीक है, दूसरे में उसने कुछ मॉर्फिन दे दिया, तो दोनों का ही निचोड़ उसके ऊपर आ सकता है। तो इस तरह का जो ड्रॉबैक है मेनली वो ड्रग्स के ऊपर आता है, ठीक है, अगर दो ड्रग का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो इस तो इस जो ये इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैरी ओवर इफेक्ट, ठीक है। कैरी ओवर इफेक्ट क्या है कि जब एक इंटरवेंशन का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे इंटरवेंशन के में भी मिले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी ओवर इफेक्ट्स। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे पैरास्टामोल दिया उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, कि जब हमने उसको मॉर्फिन दिया तो कुछ पैरास्टामोल का कुछ मॉर्फिन का असर हमें O3 में मिलेगा, पोस्टर्स में मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरी ओवर इफेक्ट्स। मीन्स पहले इंटरवेंशन का असर हमें दूसरे इंटरवेंशन देते टाइम भी मिले तो हम कैरी ओवर इफेक्ट्स बोलते हैं। अब इस कैरी ओवर इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हम इस डिज़ाइन का हमारा क्या है, ड्रॉबैक है एक तरह का। तो इसको किसको कम करने के लिए हमारा जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वॉश आउट पीरियड क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम कोई ट्रीटमेंट
उस ग्रुप को नहीं देते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, वॉश आउट पीरियड, जहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं दी जाती, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ग्रुप को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऑडिटरी स्टिमुलेशन दिया, पोस्टर्स लेके फिर गैप रख लेते हैं कि वॉश आउट पीरियड रख लेते हैं, जैसे एक हफ्ते का, ठीक है, या फिर एक दिन का गैप रखेंगे, क्योंकि जो भी इसका असर होना होगा इस इंटरवेंशन का वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको हम क्या है, दूसरी जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे और फिर इसका असर देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए से वॉशआउट पीरियड हम रख लेते हैं बीच में, ताकि पहले वाली जो इंटरवेंशन का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरी पर ना रहे, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इस तरह से हम क्या है, कैरी ओवर इफेक्ट्स है उसको हम हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो इफेक्ट है कैरी ओवर इफेक्ट, मेनली जो ड्रग की जो हम करते हैं, ठीक है, ड्रग्स के इंटरवेंशन हम जब देते हैं उस टाइम हम इस जो कैरी ओवर इफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनका ही लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है बॉडी में रहता है, ठीक है। बाकी इंटरवेंशन भी है जिनका असर इंटरवेंशन का जो इफेक्ट है लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है, उनका हमें क्या है, कैरी ओवर इफेक्ट्स वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बाद में कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, तो फिर दोनों ग्रुप का भी हम बाद में यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दो ग्रुप लिए हुए हैं, तो ये हमारा क्रॉसओवर डिज़ाइन हुआ। सेकंड जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है, वो है हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। सेकंड है हमारा सिक्स जो है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डिज़ाइन है ये, कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन है, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो डिज़ाइन है माना जाता है फैक्टोरियल डिज़ाइंस में, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी डिज़ाइंस यूज़ किए हैं वहाँ पे आपने देखा कि एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मोस्टली, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और फिर इंडिपेंडेंट का जो असर है हम इफेक्ट है जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक करते हैं, ठीक है। बट जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है इसमें हम क्या करते हैं, जो दो तरह के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक साथ उसका अफेक्ट देखते हैं, ठीक है। कैरी ओवर में भी हमने एक साथ नहीं देखा था, ठीक है, दोनों का अलग अलग हमने, इधर O2 का इस इंटरवेंशन का अलग इफेक्ट देखा था, इसका हमने अलग देखा था। और फैक्टोरियल में क्या होता है कि दोनों ही जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनका जो अफेक्ट है हम एक ही टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, ठीक है। तो ये इसी की जो है मेन, जो इसकी जो फीचर है, इसकी जो खासियत बात यही है फैक्टोरियल डिज़ाइन की, कि एक ही टाइम पे हम दो इंटरवेंशन का जो इफेक्ट है वो देखते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इसमें जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। तो इसमें भी हमने दो तरह, एक तो हम इफेक्ट ऑफ, जो कि हमारा एग्जाम्पल है, इफेक्ट ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलेशन एंड इफेक्ट ऑफ ऑडिटरी, ठीक है, सेम जो एग्जांपल है वही लिख रही हूँ, इफेक्ट ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलेशन एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन ऑन इन्फेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसी से हम देख लेते हैं, ठीक है, मीन्स ऑडिटरी और टैक्टाइल स्टिमुलेशन का हम इफेक्ट देख रहे हैं इन्फेंट के डेवलपमेंट में। इस मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं जिसका आपको इजी होगा इस डिज़ाइन को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक साइड टाइप ऑफ स्टिमुलेशन, और इधर हम लिख लेते हैं डेली डोज, ठीक है। और फिर एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसमें इधर है टाइप वन, जिसको मैंने A1 लिखूंगी, A1, और फिर इधर नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें मैंने टाइप B लिखा, जिसको मैंने A2 लिखा, ठीक है। और डेली डोज में 15 मिनट, थर्टी मिनट और 45 मिनट, ठीक है। इस तरह से एक मैट्रिक्स हमने बना लिया है, ठीक है। टाइप ऑफ स्टिमुलेशन मीन्स कौन कौन सा स्टिमुलेशन है। टाइप वन में मान लो जो टाइप वन हमारी ऑडिटरी स्टिमुलेशन है, ठीक है, ये हमारी ऑडिटरी A1, और जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन है ये A2 है, ठीक है, A2 है। अब
जो है टाइप वन मींस जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन है वो 15 मिनट्स के लिए देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इस तरह से जो 15 इधर हम इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे B1, B2 और B3, ठीक है। तो हमने टाइम को भी हमने इस तरह से इसको डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा ऑडिटरी स्टिमुलेशन 15 मिनट्स के लिए देंगे तो इधर जो रिजल्ट आएगा वो कैसे लिख सकते हैं इसको, A1 B1, ठीक है। ऐसे ही फिर जो ऑडिटरी है 30 मिनट्स के लिए देंगे तो A1 B2 और फिर A1 B3, इस तरह से इधर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। A2 B1 A2 B2 और फिर A2 B3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर जो ऑडिटरी है 15 मिनट्स के लिए देंगे, अगर ऑडिटरी 30 मिनट्स के लिए देख रहे हैं और ऑडिटरी 45 मिनट्स के लिए। इसी तरह से टैक्टाइल 15 मिनट्स के लिए, टैक्टाइल 30 मिनट्स के लिए, फिर टैक्टाइल 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम क्या कर सकते हैं कि जो जैसे हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मीन्स कंपेयर ऑफ कंपेरिजन कंपेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑडिटरी मीन्स ऑडिटरी और टैक्टाइल स्टिमुलेशन का हम कंपेरिजन करना चाह रहे हैं इन्फेंट की डेवलपमेंट में, ठीक है। मीन्स अगर हम जो है ऑडिटरी स्टिमुलेशन 15 मिनट के लिए दे रहे हैं और अगर हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन में 15 मिनट के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का हम कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह का जो एक चीज़ हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, मीन्स एक हाइपोथेसिस हम इस तरह से बना सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। दोनों टैक्टाइल स्टिमुलेशन और ऑडिटरी स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्टिव है अगर हम दोनों ही 15 मिनट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम यहाँ से ये निकल गई, और दूसरी चीज़ हमारी क्या निकल सकती है कि दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है इस तरह का डिज़ाइन का, कि हम जो रेट जो डेली डोज है, ठीक है, अगर हम जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन की बात करें, ऑडिटरी स्टिमुलेशन अगर हम 15 मिनट दें तो उसका क्या इफेक्ट है, 30 मिनट्स का क्या इफेक्ट है और ऑडिटरी स्टिमुलेशन 45 मिनट्स का, मीन्स जो डेली डोज जो वेरी करके हम, ठीक है, 15 मिनट ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर जो है 45 मिनट ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, मीन्स दोनों में से कौन सी इफेक्टिव है इन्फेंट की डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें तो हम ये हो गई, ठीक है, दो तरह के हाइपोथेसिस हम इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स थेरेपी, पहले तो जो हमारी स्टिमुलेशन है उसका थेरेपी का कंपैरिजन हो सकता है, और फिर जो डेली डोज है मीन्स एक थेरेपी का जो डेली डोज को चेंज करके उसका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जो थर्ड जो है हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है, वो कैसे टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे थर्ड में हम क्या करेंगे, हम जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन का जो अफेक्ट है, ठीक है, अगर ऑडिटरी स्टिमुलेशन अगर 15 मिनट्स को दें और जो हमारा टैक्टाइल स्टिमुलेशन है वो हम कितने 45 मिनट्स के लिए दें, ठीक है, मीन्स एक जो स्टिमुलेशन है उसका जो डेली डोज वो कितना है 30 मिनट के लिए और दूसरे का हम 45 मिनट्स के लिए। तो इस तरह के जो हाइपोथेसिस हैं वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कौन सी इफेक्टिव हुई, मीन्स टैक्टाइल हम 30 मिनट के लिए देख रहे हैं और ऑडिटरी वो हम 45 मिनट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस उसकी दोनों की हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिज़ाइन है इसको किस तरह से लिखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको अब हम कैसे देंगे, रैंडमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, O1, पहले तो प्री टेस्ट ही लेंगे, फिर इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। इंटरवेंशन हमारी क्या रहेगी, A1 B1 मीन्स हमें जो हमारी ऑडिटरी स्टिमुलेशन 15 मिनट के लिए हम देंगे, फिर हमने उसका क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है, और फिर हमने दूसरा ग्रुप लिया। तो इस चीज़ को हम देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए हम 6 ग्रुप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना के फिर 6 ग्रुप को अलग अलग तरीके से हम क्या है इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। एक ग्रुप हमारा ये यहाँ पे हमने जो ये A1 जो हमारी टाइप ए स्टिमुलेशन है 15 मिनट के लिए दी, फिर हमने इस ग्रुप को हमने 30 मिनट के लिए दी, इस ग्रुप को 45 मिनट्स के लिए दी, और इसको हमने फिर से हमारा 15 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से हम 6 ग्रुप बना सकते हैं और 6 को हम अलग अलग तरीके से इंटरवेंशन देख सकते हैं और फिर उनका आपस में कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसका और इसका भी हो सकता है, इसका और इसका भी हो सकता है, इसका
स्टोरीज का भी हो सकता है। तो सभी तरह के जो यहाँ पे हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह का ये इसलिए उसको जो है पावरफुल जो हमारा डिज़ाइन है माना जाता है। ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप को हमने इस तरह से इंटरवेंशन दी, दूसरे ग्रुप को हमने कैसे करेंगे एक्स ए वन बी टू। ठीक है, फिर इसका पोस्टर्स ले लो। उसके बाद हमारा जो है ओ वन ए वन बी थ्री, ठीक है, ओ टू रैंडमाइजेशन ए टू ओ वन पर प्रीटेस्ट लिया इस ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप है हमारा, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, फिर इंटरवेंशन दी, फिर ए टू बी वन और फिर पोस्टर्स ले लिया। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप भी आप लिख सकते हैं और उनको इंटरवेंशन दे सकते हो। तो छह ग्रुप आपके बन गए। ठीक है, छह को आप अलग अलग तरीके से इंटरवेंशन दे दीजिए और छह ग्रुप को आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 30 मिनट देंगे और टेक्टाइल दे रहे हैं और 30 मिनट ऑडिटरी दे रहे हैं तो उनका कंपैरिजन, या फिर 30 मिनट ऑडिटरी दे के और 15 मिनट टेक्टाइल दे रहे हैं तो उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से लंबे बहुत आराम से समझाया है, मगर आपको समझ में आया होगा, बार बार रिपीट किया है। ठीक है, फिर मेरा मोटिव ये था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो मेरे डिज़ाइन है पावरफुल डिज़ाइन इसी को माना जाता है, फैक्टोरियल को, क्रॉसओवर डिज़ाइन। ठीक है, दूसरा हमने बेसिक प्रीटेस्ट पोस्टर्स ओनली डिज़ाइन किया था, वो भी अच्छा डिज़ाइन है। ठीक है, वो भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो हमारे डिज़ाइंस हैं जो यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं, ठीक है, वो हम उनका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो एडवांटेज में हमारा फर्स्ट जो एडवांटेज है, जो इन इंटरवेंशन को हम क्या बोलते हैं, मीन्स डिज़ाइंस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा यहाँ पे अफेक्ट आता है, मीन्स जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे एविडेंस प्रूफ होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें रिजल्ट मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट मिलते हैं, तो क्या हुआ या इसका जो हम इनको क्या मानते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड हम इनको मानते हैं। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि जो भी एविडेंस आता है वो क्या है, आप जो इसके पीछे जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस जो हम चेक करते हैं इंटरवेंशंस की, वो इफेक्टिवनेस कैसे बेस्ट जो उसकी उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास होता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हम उस चीज़ को प्रूफ करते हैं, इसलिए इन डिज़ाइंस को क्या मानते हैं, हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। दूसरा इसका जो है मेन, इसका जो हम एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज कि इसमें हम जो कंट्रोल्स दी एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स को हम इसमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है, जो भी मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फैक्टर्स का हम कंट्रोल करते हैं ताकि उसका रिजल्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या है ये आपको पहले मैंने बता चुकी हूँ। तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट है रिजल्ट्स पर ना आए। थर्ड जो है हमारा एडवांटेज इसका, जो इसमें इस तरह के डिज़ाइंस ट्रू एक्सपेरिमेंटल में हम कोजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। कोजल रिलेशनशिप कैसे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। ठीक है, इसलिए हम कोज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है, ठीक है, कोजल इफेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये तीन इसके मेन एडवांटेज हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। इसके डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम, ठीक है, डिसएडवांटेज, फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है, अब ये जो अगर हम इन स्टडीज़ को किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में करें, ठीक है, अगर जो क्लिनिकल सेटिंग्स में ये डिज़ाइन किया जाए तो जब इंटरवेंशन देंगे तो इंटरवेंशन है वो रिसर्चर नहीं देगा, ठीक है, वो हॉस्पिटल का स्टाफ ही देगा, वहीं के उनका जो एम्प्लॉय है वही देगा। तो इसलिए रिसर्चर को पता नहीं है कि जो इंटरवेंशन है वो एग्जैक्टली उस जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसी को दी जाएगी और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा डाउट रहता है कि जो इंटरवेंशन है वो प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है और कंट्रोल ग्रुप को नहीं दी जा रही है। ठीक है, क्लिनिकल जो सेटिंग में अगर हम कर रहे हैं तो ये दिक्कत रहती है। दूसरा जो हमारा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि यहाँ पे लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ
इंटीग्रिटी ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। मीन्स जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोल जो हम कर रहे हैं कंट्रोल वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है, जो भी हमने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रखा हुआ है या फिर इंटरवेंशन है उसका जो टाइम है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी पर, मीन्स वो सही टाइम, मीन्स कंट्रोल प्रॉपर, क्योंकि ये जो जो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, अगर लंबे टाइम तक हम हमारी स्टडी चलेगी, ठीक है, लंबे टाइम तक हमें इंटरवेंशन देनी है किसी एक ग्रुप को, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म अगर हमारी स्टडी चल रही है, तो उस टाइम लंबे टाइम तक कंट्रोल करना एक्सटर्नल वेरिएबल्स पर, एक्सट्रीनियस वेरिएबल पर, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है रिसर्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर अगर वही है क्लिनिकल सेटिंग है या फिर कम्युनिटी की सेटिंग में है तो वहाँ पर हमेशा अवेलेबल नहीं होता उस सेटिंग में, तो जो भी एक्सट्रीनियस वेरिएबल है उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन भी ठीक, इंटरवेंशन को मीन्स जो पार्टिसिपेंट है वो सही, वही बात आ जाती है जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया कि जो इंटरवेंशन है हो सकता है कि उसको प्रॉपरली ना मिल रही हो, ठीक है, मीन्स उसके जितने ड्यूरेशन के लिए फिक्स की गई थी उतने ड्यूरेशन के लिए पार्टिसिपेंट को ना मिले, ठीक है, कुछ तो, या फिर उसका जो हर पार्टिसिपेंट को यूनिफॉर्मली ना मिले, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो दिक्कत आ सकती है, तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हो सकता है। थर्ड हमारा डिसएडवांटेज इसमें क्या होगा, थर्ड डिसएडवांटेज, अगर हमने जैसे दो ग्रुप हमने रखे हुए हैं, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल एक कंपैरिजन ग्रुप है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे हमने रैंडमली असाइन तो कर लिया पार्टिसिपेंट को कि रैंडमली हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, मगर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कुछ पार्टिसिपेंट हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, मीन्स वो अपना इंटरेस्ट उस स्टडी में ना दिखाए, उनको जैसे कोई थेरेपी दे रहे हैं कोई टीचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट ना हो तो वो पार्टिसिपेशन ना करें, ठीक है, तो जो एक्चुअल जो उनका बिहेवियर है वहाँ पे वो ना शो करें, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो स्टडी पर रिजल्ट आएगा, चाहे जो रिसर्चर है कितनी मेहनत कर ले, कितनी इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड कर ले, ठीक है, अगर उनका जो पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या जो रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे एक टीचर है कितना ही पढ़ा ले, स्टूडेंट्स अगर नहीं समझना चाहता तो नहीं समझेगा, तो वैसे ही अगर जो इंटरवेंशन है कितनी इफ़ेक्टिव वे में दे जाए, अगर जो पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो नॉन पार्टिसिपेटिव है, ठीक है, तो हमारा जो आउटकम है जो हमारा रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, जो थर्ड हमारा जो एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज ये हो सकता है। फोर्थ जो हमारा है डिसएडवांटेज वो है होथ्रोन इफेक्ट, क्या है होथ्रोन इफेक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, होथ्रोन इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम किसी भी वेरिएबल को हम मेज़र करने जा रहे हैं, यानी पार्टिसिपेंट का हम कोई बिहेवियर देखने जा रहे हैं, पार्टी जैसे उसकी नॉलेज चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, नॉलेज नहीं, जैसे हम बिहेवियर देख रहे हैं किसी भी क्लाइंट का, किसी भी पार्टिसिपेंट का, उस क्लाइंट को पता चल गया कि वो स्टडी में इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो रिसर्चर है उसे डाटा कलेक्ट कर रहा है या फिर उसका बिहेवियर नोटिस कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अगर रिसर्चर पार्टिसिपेंट मीन्स जो पार्टिसिपेंट है वो रिसर्चर की वजह से अपना जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई कर ले, ठीक है, जो एक्चुअल जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होथ्रन इफेक्ट, ठीक है, मींस जो पार्टिसिपेंट है उसको पता है कि उसको पता है कि वो स्टडी में इन्वॉल्व है, ठीक है, मींस उसको स्टडी में इन्वॉल्व होने की वजह से वो अपना जो बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, होथ्रन इफेक्ट, ठीक है, जैसे कोई भी इंस्पेक्शन होती है स्कूल में, इंस्पेक्शन तो जो इंस्पेक्टर होता है बाहर वाले को दिखाने के लिए क्या कि जो सारे स्टूडेंट्स अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, मगर एक्चुअल में वो नहीं होते हैं, तो वही क्या होता है, होथ्रन इफेक्ट है, जो पार्टिसिपेंट है जो उसका एक्चुअल बिहेवियर है वो नहीं दिखाई देता है, सिर्फ जो रिसर्चर को दिखाने के लिए वो अपना बिहेवियर है वो चेंज कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होथ्रन इफेक्ट, जो इसका डिसएडवांटेज हो सकता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का, ठीक है, तो यही इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, डिज़ाइंस हमने कर लिए, इसके टोटल हमने 6 तरह के डिज़ाइंस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है तो हमें बता सकते हैं, इससे नेक्स्ट की वीडियो में हम जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच।